हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर सा स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाने के लिए मैंने 4 इंच चौड़ी और तकरीबन 15 इंच लंबी कपड़े की ये पट्टी काट ली है। अब इसके ऊपर मैं गोटे का इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से मैंने इस कॉपर कलर के गोटे में से छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं और इस तरह से हम इस पट्टी के ऊपर इनको अटैच करेंगे। यहाँ पर मैं सभी गोटे के टुकड़ों के बीच में आधा आधा इंच का गैप रख रही हूँ। आप चाहें तो गैप थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं और चाहें तो थोड़ा सा गैप ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से सभी गोटे के पीसेस को हम बिल्कुल बराबर दूरी पर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पर हमें गोटा अटैच करते हुए बहुत बारीक बखिए से सिलाई नहीं लगानी है। बारीक सिलाई लगाने पर कई बार गोटा कट जाता है। तो इस तरह से मैंने ये पट्टी तैयार कर ली और अब हमें बाजू की रॉन्ग साइड पर इस पट्टी को उल्टा करके रखना है और इसकी किनारे पर हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हम इसे सीधा करेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह। अब हम इस पट्टी को इस तरह से सीधी तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। मैं इस डिज़ाइन को अपनी कुर्ती की स्लीव्स पर बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे कमीज़ के दामन और ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस पट्टी को यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब हमें इसके ऊपर एक लेस अटैच करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास ये कॉपर कलर की एक लेस है जिसके ऊपर सीक्वेंस का काम किया हुआ है। आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी तरह की लेस लगा सकते हैं। अगर आप सिल्वर कलर का गोटा यूज़ कर रहे हैं बाजू के डिज़ाइन में तो आप लेस भी सिल्वर कलर की ही लगाइएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लेस को अच्छे से अटैच कर लिया है, ये देखिए। अब इसके नीचे हम एक और लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास समोसा ट्रायंगल्स वाली गोटा पट्टी की लेस है। इस तरह की लेसेस भी आपको बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो मैंने इस तरह से किनारी से थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इस लेस को अटैच किया है इस तरह से। तो इसके साथ ही स्लीव्स का हमारा ये डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो चुका है। ये डिज़ाइन देखने में तो बहुत सुंदर है ही, बनने में भी ये बहुत आसान है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।